हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4000 किलोमीटर चले और भारत को जोड़ने की हमने बात की, नफरत मिटाने की बात की, एक धर्म को एक जात को दूसरी जात से मिलाने की बात की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लाखों लोगों से बातचीत की, उनका दर्द सुना, मुश्किल था मगर बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है तो फिर इससे वेस्ट भी यात्रा होनी चाहिए, और मैं चाहता था कि जैसे हमने पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, वैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट पैदल यात्रा करें। मगर चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। सवाल उठा कि यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए, और मैंने साफ कहा कि अगली भारत छोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।